Good morning everyone, this is Iftikhar Hussain Ansari, or in today's video we will discuss about phospholipid and their synthesis. So jaise ki hum sabhi ko malum hai ki jo phospholipid hai wo wala specialized type of lipid hota hai jo ki aapke body ke bahut different structures mein dekhne ko milta hai. ठीक, और इनका वेरिड फंक्शन होता है विद रेस्पेक्ट टू देयर लोकेशन. सो अगर हम इसकी बात करें कि फॉस्फोलिपिड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, तो फिर आपको पता है आपके सेल के मेम्ब्रेन में आपको फॉस्फोलिपिड देखने को मिलता है, एज वेल एज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फॉस्फोलिपिड इन ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स में, एज वेल एज जो सप्लाई होता है एरेकिडोनिक एसिड्स का जिससे आपका प्रोस्टाग्लैंडिंस बनते हैं, तो फिर इनमें भी आपका जो सप्लाई होता है एरेकिडोनिक एसिड उसके सप्लाई में भी मदद करती है फॉस्फोलिपिड. सो अगर हम फॉस्फोलिपिड्स की इन जनरल बात करें, तो फिर लास्ट वाली क्लास में हमने जो पढ़ा था ट्राइसाइल ग्लाइसरोल, तो फिर उसका स्ट्रक्चर था एक ग्लाइसरोल बैकबोन हुआ करता था जिसका 3 कार्बन हुआ करता था, उस पर 1, 2, 3 कार्बन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पे आपका एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ होता था. ठीक, तो फिर इससे आपका ट्राइसाइल ग्लाइसरोल बन रहा था. लेकिन फॉस्फोलिपिड में आपको देखने को मिल रहा है कि जो आपका ग्लाइसरोल बैकबोन है, ग्लाइसरोल बैकबोन के साथ आपका जो यहाँ पे जो ईस्टर बोन जो बनी हुई है विथ फैटी एसिड, वो कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर सेकंड पे आपका एसाइल बॉन्ड है, और यहाँ पे आपको डाईसाइल यहाँ पे बन रही है. लेकिन जो कार्बन नंबर थर्ड है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, कार्बन नंबर थर्ड पे जो और एक एसाइल ग्रुप होनी चाहिए थी, यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पे जो फॉस्फेटिक एसिड में जो फॉस्फेट प्रेजेंट होती थी वो हटा हुआ नहीं है, वो यहीं पे प्रेजेंट है. और यहाँ पे इसके साथ आपके पास और एक मॉलिक्यूल जुड़ी हुई है विद रेस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट कि एक ऐसा फॉस्फोलिपिड चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे ये जो ग्रुप जो है जुड़ी हुई होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास है फॉस्फोटिडाइल सीरीन, यानी कि सीरीन ग्रुप यहाँ पे जुड़ी हुई है जिसकी मदद से आपका ये वाला फॉस्फोलिपिड बन रहा है फॉस्फोटिडाइल सीरीन. और ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे सेकंड वाले में, तो फिर नॉर्मली जो ग्लाइसरोल बैकबोन है वो सेम ही है, और इस पर जो कार्बन नंबर फर्स्ट है कार्बन नंबर सेकंड है उस पर एसाइल बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड से यहाँ जो है फैटी एसिड जुड़ी हुई है, यानी कि एसाइल लिंकेज है. और इसके साथ जो कार्बन नंबर थर्ड है उसके साथ जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है उससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है विद दिस इथेनोलेमाइन, और आपके पास बना रही है ये वाला फॉस्फोलिपिड जिसे बोलते हैं फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमाइन. फिर और एक आती है फॉस्फेटिडाइल कोलिन आती है जिसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो मॉलिक्यूल जुड़ी हुई होती है कार्बन नंबर थर्ड के साथ विद दिस फॉस्फेट ग्रुप, ये हमारे पास कोलिन होती है. तो फिर यहाँ पे आपके पास बनती है फॉस्फेटिडाइल कोलिन. सो अगर हम सिंथेसिस की बात करें फॉस्फोलिपिड की, तो फिर फॉस्फोलिपिड जो है सिंथेसाइज किया जाता है फ्रॉम फॉस्फेटिडिक एसिड. एक तो आपके पास फॉस्फेटिडिक एसिड प्रेजेंट होनी चाहिए, एज वेल एज जो कार्बन नंबर, और आपके पास डाईसाइल ग्लाइसरोल प्रेजेंट होनी चाहिए. डाईसाइल ग्लाइसरोल मींस कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर सेकंड पे जो है आपका जो है एसाइल ग्रुप होती है ग्लाइसरोल बैकबोन के साथ जुड़ी हुई होती है. तो फिर जब ये प्रेजेंट होती है और आपके पास जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ी हुई होती है एसिड्स, और आपके पास यहाँ पे जो एक फॉस्फेटिडिक एसिड होती है, जब ये दोनों प्रेजेंट होती है तो फिर आपका जो है फॉस्फोलिपिड बन जाती है. ठीक, तो अगर हम देखेंगे ये जो फॉस्फेटिडिक एसिड है या डाईसाइल ग्लाइसरोल है, ये दोनों जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इंटरमीडिएट है. जब ट्राईसाइल ग्लाइसरोल बन रही होती है, हमें पता है कि सबसे पहले मोनोएसाइल ग्लाइसरोल बनती थी, फिर इसके बाद डाईसाइल ग्लाइसरोल बनती थी, फिर इसके बाद आपके पास ट्राईसाइल ग्लाइसरोल जिसमें ट्राईग्लाइसराइड बनती थी. तो फिर ये जो डाईसाइल ग्लाइसरोल है एज वेल एज फॉस्फेटिडिक एसिड है, ये दोनों इंटरमीडिएट है ट्राईसाइल ग्लाइसरोल फॉर्मेशन में. ठीक, और ये जो फॉस्फोलिपिड है वो सिंथेसाइज होता है मोस्टली इन दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में. सो सबसे पहले अगर हम देखेंगे ग्लाइसरो फॉस्फेटेराइड्स कैसे बनती है, तो फिर ये जो फॉस्फेटिडिक एसिड होती है ये एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है फॉस्फोग्लाइसराइड में या ट्राईसाइल ग्लाइसरोल फॉर्मेशन में. ठीक, यही जो फॉस्फेटिडिक एसिड है ये बन जाती है फ्रॉम ग्लाइसरोल 3-फॉस्फेट, या आपको पता है कि या तो ग्लाइसरोल 3-फॉस्फेट से बनती थी या आपके पास डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट से बनती थी. ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जो ग्लाइसरो फॉस्फोलिपिड है ये मेनली ऑकर होता है बाय एक्टिवेशन ऑफ जो सीडीपी कोलिन है. फॉर एग्जांपल सीडीपी कोलिन मींस फॉर एग्जांपल हमारा जो एंड मॉलिक्यूल था कोलिन था सीरीन था इथेनोलेमाइन था, इसके साथ ये जब रिएक्ट करती है कोलिन जब सीटीपी के इन द प्रेजेंस ऑफ सीटीपी, सीटीपी मींस
यहाँ पे जो है ट्राईफॉस्फेट जो प्रेजेंट होती है, साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट जो प्रेजेंट होती है, तो फिर यहाँ पे जब ये फॉर एग्जांपल कोलिन इसके साथ रिएक्ट कर रही है और दो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाती है, तो फिर आपके पास सीडीपी कोलिन बन जी सीडीपी कोलिन आपके पास एक फॉस्फेट ग्रुप हट जाती है तो फिर आपके पास सीडीपी कोलिन बन जाती है या सीडीपी इथेनोलेमाइन बन जाती है या और बाय फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव डायसाइल ग्लिसरॉल या सीडीपी डायसाइल ग्लिसरॉल जब बन जाती है, तो फिर जब ये बन जाती है तो फिर ये जो है आपके जो है ग्लिसरॉल बैकबोन के साथ जुट जाती है और आपको आपको बना देती है, आपका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है। यानी कि सबसे पहले हमारा जो है सीडीपी कोलिन बनना ज़रूरी है, सीडीपी इथेनोलेमाइन बनना ज़रूरी है, एज वेल एज हमारे पास अगर हम देखेंगे नॉर्मली फॉस्फेटेटिक एसिड की अगर हम बात कर रहे हैं इसका सिंथेसिस कैसे हो रहा है, तो फिर हमें पता है कि ये बोला गया है कि डायसाइल डायहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट से भी बन सकती है, ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट से बन सकती है। सो यहाँ पे जब ये बन रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपके पास मोनोएसाइल ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट बन जाती है ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट से, यानी कि यहाँ पे जो है दो फॉस्फेट रिलीज हो रही है, तो फिर यहाँ पे जो है लास्ट में आपके पास फॉस्फेटेटिक एसिड बन जाती है। और यहाँ पे जो है फॉस्फेटेटिक एसिड मतलब इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसमें जो है कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर सेकंड पे तो दोनों में जो है एसाइल ग्रुप जुड़ी हुई है, लेकिन जो कार्बन नंबर थर्ड है उसके साथ जो है एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ी हुई होती है जिसे बोला जाता है फॉस्फेटेटिक एसिड। यानी कि आपका ग्लिसरॉल बैकबोन पूरी तरीके से बन गया है जिसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ी हुई है। सो तो फिर हमें ये पता है कि हमें कोलिन कैसे बन सीडीपी कोलिन या सीडीपी इथेनोलेमाइन कैसे बनती है, वो उसका बनना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो इस बैकबोन इस ग्लिसरॉल बैकबोन के जो है कार्बन नंबर थर्ड के फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ जाए और आपका फॉस्फोलिपिड बन जाए। ठीक, तो फिर ये मेनली लिस्टिन और सेफेलिन मेनली आपके लीवर और ब्रेन में प्रोड्यूस या बनती है बनी जाती है। फिर इसके बाद जो कोलिन होता है या इथेनॉल एमाइन होता है ये जो है पहले फॉस्फोरिलेट किया जाता है और ये जो है कंबाइन किया जाता है विथ सीटीपी टू फॉर्म यहाँ पे साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ ये कंबाइन किया जाता है ये कोलिन या इथेनॉल एमाइन, फिर आपके पास यहाँ पे जनरेट होती है सीडीपी कोलिन और सीडीपी इथेनॉल एमाइन आपके पास जनरेट होती है। और जो फॉस्फेटेडाइल कोलिन है अगर हम बात करेंगे ये सिंथेसाइज किया जाता है जब सीडीपी जो कोलिन है वो कंबाइन हो जाता है 1,2 डायसाइल ग्लिसरॉल के साथ, यानी कि जो 1,2,1,2 डायसाइल ग्लिसरॉल है उसके साथ जब ये जो आपका जो है सीडीपी कोलिन बन जुड़ जाती है तो फिर आपके पास पहला फॉस्फोलिपिड बन जाती है जिसको बोला जाता है फॉस्फेटेडाइल कोलिन। ये जो फॉस्फेटेडाइल इथेनॉल एमाइन है ये तब प्रोड्यूस होता है जब आपका सीडीपी इथेनॉल एमाइन जो है आपके 1,2 डायसाइल ग्लिसरॉल के साथ जो कार्बन नंबर थर्ड के फॉस्फेट ग्रुप है उसके साथ जब ये जुट जाती है तो फिर आपके पास जो है फॉस्फेटेडाइल इथेनॉल एमाइन बन जाती है, ये वाला फॉस्फोलिपिड बन जाती है। ठीक, और ये जो फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन है इसको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है फॉस्फेटिडाइल कोलिन में ऑन मिथाइलेशन, यानी कि जब इसका मिथाइलेशन हो जाती है तो फिर जो फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है फॉस्फेटिडाइल कोलिन वाले फॉस्फोलिपिड में। ठीक, यहाँ अगर हम स्ट्रक्चरली देखेंगे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है कार्बन नंबर फर्स्ट कार्बन नंबर सेकंड कार्बन नंबर थर्ड है ये आपका जो है डायसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट यहाँ पे आपका बनी हुई है और यहाँ पे अगर जब पी ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप जुट जाती है तो फिर यह फॉस्फेटेटिक एसिड बन जाती है यहाँ तक। ठीक, तो फिर जब इसके साथ ये जो कोलिन या इथेनॉल एमाइन जुट जाती है तो फिर यहाँ पे आपके पास बन जाती है फॉस्फेटिडाइल कोलिन जो फॉस्फोलिपिड है फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन यहाँ पे बन जाती है। ठीक, फिर जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन होती है जो फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन होता है वो एक्सचेंज हो जाता है अपने वो एक्सचेंज कर सकता है अपने इथेनॉल एमाइन ग्रुप को विथ फ्री सीरीन के साथ ताकि आपका जो है फॉस्फेटिडाइल सीरीन बन सके, यानी कि इथेनॉल एमाइन से जो इथेनॉल फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन जो फॉस्फोलिपिड है इससे जो है इथेनॉल एमाइन ईजिली रिलीज हो सकता है फॉर फ्री सीरीन और यहाँ पर सीरीन ग्रुप जुट सकता है इसी जगह पर और आपके पास बन सकती है फॉस्फेटिडाइल सीरीन। ठीक, और फॉस्फेटिडाइल सीरीन का स्ट्रक्चर यही है कि यहाँ पे जो है आपका इथेनॉल एमाइन ग्रुप हट के यहाँ पे आपके पास सीरीन ग्रुप ज्वाइन हो चुकी है और ये इससे बनाती है इससे बन जाती है हमारे पास फॉस्फेटिडाइल सीरीन। ठीक, नॉर्मली स्ट्रक्चर वही है ये ग्लिसरॉल बैकबोन है फिर इसके साथ आपका जो है ईस्टर बॉन्ड के साथ आपके पास यहाँ पे जुड़ी हुई है कार्बन नंबर फर्स्ट पे एसाइल ग्रुप सेकंड पे एसाइल ग्रुप जुड़ी हुई है डायसाइल ग्लिसरॉल ऐसे ही बन गई है। फिर इसके बाद जो कार्बन नंबर थर्ड है इस पे जो है फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो है आपके पास जो है
प्रोडक्ट में जो है जब सीरीन जुट जाती है तो फिर फॉस्फेटेराइल सीरीन बन जाती है, जब इथेनोलेमाइन जुट जाती है तो फिर फॉस्फेटेराइल इथेनोलेमाइन बन जाती है। हमने बताया कि ये कैसे बनती है, तो जब जो है कोलीन होती है या इथेनोलेमाइन होता है वो जब रिएक्ट करता है विथ CTP और उसका एक फॉस्फोरिलेशन भी होता है, तो फिर यहाँ पर जो है CDP इथेनोलेमाइन बन जाती है, CDP कोलीन बन जाती है, वो डायरेक्टली यहाँ पर आके जुट सकती है और फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करके यहाँ पर जो है आपके पास एंड प्रोडक्ट में फॉस्फोलिपिड बना देती है। ठीक, फर्दर अगर हम फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल की अगर हम बात करें तो फिर ये जो CDP डायसाइल ग्लिसरॉल है जो कि प्रोड्यूस हो रखा है फ्रॉम फॉस्फेटिडिक एसिड, ये कंबाइन हो जाते हैं इनोसिटोल के साथ और आपके पास बन जाती है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल। ठीक, यानी कि जो CDP डायसाइल ग्लिसरॉल है जो बनी हुई जब ये बन जाती है फॉस्फेटिडिक एसिड से, यानी कि फॉस्फेटिडिक एसिड मीन्स जब आपके पास ग्लिसरॉल बैकबोन है 1, 2, 3 और इसके साथ आपके कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड, कार्बन नंबर थर्ड है। कार्बन नंबर फर्स्ट पे जब आपका एसाइल ग्रुप जुड़ी हुई है, फिर कार्बन नंबर सेकंड पे जो एसाइल ग्रुप जुड़ी हुई है और कार्बन नंबर थर्ड पे जो फॉस्फेटिडिक एसिड होती थी वो यहाँ से हट के इसके साथ ज्वाइन हो गया है, CDP डायसाइल ग्लिसरॉल बन जाती है। यानी कि यहाँ पे जो है CDP ग्रुप जो है जब ये ज्वाइन हो जाती है, CDP कोलीन ज्वाइन हो जाती है, CDP इथेनोलेमाइन जब ज्वाइन हो जाती है तो फिर ये जो CDP डायसाइल ग्लिसरॉल है इस पे जब आपका इनोसिटोल ग्रुप जुट जाता है कार्बन नंबर थर्ड पे तो फिर यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली बन जाती है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, ये वाला फॉस्फोलिपिड बन जाता है। और यहाँ पे अगर हम फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल की अगर हम और एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखेंगे विद द अदर फॉस्फोलिपिड तो फिर यहाँ पे जो है इसके कार्बन नंबर सेकंड पे जो है एक एरेकिडोनिक एसिड आपको देखने को मिलता है जो कि मदद करता है, जो कि एज ए सबस्ट्रेट प्रोवाइड करने में मदद करता है ताकि जो है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस में। ठीक, और जो PI होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिग्नल ट्रांसमिशन में अलोंग दिस इन बिटवीन दिस सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए बहुत मदद करती है अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन। ठीक, और यहाँ पे जो है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल है जो कि आपके जो है कार्बन नंबर थर्ड पे जो है इनोसिटोल ग्रुप जुड़ी हुई है तो फिर यहाँ पे जो है आपके पास फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल बनी हुई है। तो फिर स्ट्रक्चरली हमें देखने को मिल रहा है कि एक फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल है, ये भी एक फॉस्फोलिपिड है। फिर इसके बाद स्ट्रक्चरली हमें देखने को फॉस्फेटिडाइल सीरीन है, जब सीरीन ग्रुप जुट जाती है तो फिर फॉस्फेटिडाइल सीरीन ये वाला फॉस्फोलिपिड बन जाती है। जब कार्बन नंबर थर्ड पे आपके पास इथेनोलेमाइन जुट जाती है तो फिर आपके पास फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमाइन बन जाती है, और कार्बन नंबर थर्ड पे जब कोलीन जब जुट जाती है तो फिर आपके पास बन जाती है फॉस्फेटिडाइल कोलीन। ठीक, और अगर हम देखेंगे फर्दर तो फिर यहाँ पे फर्दर अगर हम देखेंगे जब फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल बन जाती है या कार्डियोलिपिड बननी होती है तो फिर क्या होता है कि जो CDP डायसाइल ग्लिसरॉल पहले से बनी हुई है वो कंबाइन करता है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के साथ, वो जुट जाती है और एक ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के साथ ये जुट जाती है और यहाँ पे फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट आपके पास जनरेट करती है जो कि आपका जो है फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल बन जाती है। ठीक, जो फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल होता है वो कंबाइन होता है एक मॉलिक्यूल के साथ जो फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल है और एक फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल के साथ जुट जाती है, एक फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल दूसरे फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल के साथ जुड़ जाती है और आपके पास जो है जनरेट कराती है कार्डियोलिपिन। यानी कि फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल बनती है कैसे, जब एक डायसाइल ग्लिसरॉल है उस पे CDP जुड़ी हुई है, यानी कि CDP डायसाइल ग्लिसरॉल जो बनी हुई है जब उसके साथ और एक ग्लिसरॉल जुड़ जाती है, दो ग्लिसरॉल जब जुड़ जाती है यानी कि पहला ग्लिसरॉल तो पहले ही प्रेजेंट है बैकबोन और एक ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट जब जुड़ जाती है तो फिर आपके पास फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल बन जाती है, और यही जो फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल है और एक फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल के साथ जब ये जुड़ जाती है तो फिर आपके पास जो है कार्डियोलिपिन बनाती है। कार्डियोलिपिन जो है उस पे जो है एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है। ठीक, यहां पे स्ट्रक्चरली आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पे जो है एक ग्लिसरॉल बैकबोन जो आपका इनिशियली जो प्रेजेंट है उसके साथ अगर हम देखेंगे फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ जो आपका CDP ग्लिसरॉल जो पहले से बनी हुई है उसके साथ और एक ग्लिसरॉल जब ग्रुप जुड़ जाती है तो फिर यहां पे आपके पास जनरेट कराती है फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। ठीक, लास्ट में आपके पास आ जाती है स्पेंजोमाइलिन। अगर हम स्पेंजोमाइलिन की बात करें तो फिर ये वो वाले फॉस्फोलिपिड है जिसमें जो है कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है विद रेस्पेक्ट टू अदर फॉस्फोलिपिड। इसमें जो है एमिनो अल्कोहल या स्पेंजोसिन बोलते हैं ये प्रेजेंट होती है इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल। अभी तक वाले स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जो हमारा बैकबोन था ग्लिसरॉल बैकबोन था, यहाँ पे जो है ग्लिसरॉल बैकबोन था, लेकिन इस वाले केस में स्पेंजोसिन जो अदर मॉलिक्यूल है वो इसका बैकबोन बनाती है अदर देन ग्लिसरॉल। ठीक,
इसमें क्या होता है कि पाल्मिटाइल जो को एंजाइम ए है वो और जो सीरीन है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करती है और इसमें एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन चलती है जिसकी मदद से स्पेंजोसिन बनती है जो बेकबोन बनती है, और जिसका जब एसाइलेशन होता है तो फिर आपके पास सेरामाइड बनता है, और यही जो है स्पेंजोमाइलिन जो है सिंथेसाइज किया जाता है जब यही सेरामाइड जो बनी हुई है वो कंबाइन कर जाती है सीडीपी कोलिन के साथ। यानी कि इस यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ग्लाइसरॉल बैकबोन है वो प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सेरामाइड बन जाती है यानी कि स्पेंजोसिन बन जाती है, और यही जो स्पेंजोसिन है इसका जब एसाइलेशन हो जाती है एसाइल ग्रुप जब जुट जाती है तो फिर यहाँ पे आपके पास सेरामाइड बन जाती है, और इसी सेरामाइड ग्रुप पे जब सीडीपी कोलिन जुट जाती है कार्बन नंबर थर्ड पे तो फिर यहाँ पे आपके पास जनरेट कराती है स्पेंजियोमाइलिन। ठीक, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरली आपको देखने को मिल रहा है कि ये वाला बैकबोन जो है वो हमारा ग्लाइसरॉल नहीं है, यहाँ पे स्पेंजियोसिन है और इसके साथ कार्बन नंबर थर्ड पे जो आपका कोलिन जुड़ी हुई है तो फिर आपके पास यहाँ पे बन जाती है स्पेंजियोमाइलिन। दिस इज ऑल फॉर सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड, जिसमें आपके पास आ जाते हैं स्पेंजोमाइलिन की सिंथेसिस आ जाती है एंड अदर फॉस्फोलिपिड जो आपके पास आ जाती है फॉस्फेटिडाइल कोलिन फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमाइन फॉस्फेटिडाइल सीरीन। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, थैंक्स लॉट।